हाँ जी बच्चे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लस टू का, पहले ये चैप्टर नंबर टू हुआ करता था, लेकिन अब सीबीएसई की जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो चैप्टर है सेकंड, उसको फर्स्ट कर दिया गया है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो मिक्सचर क्या होते हैं, आपको पता ही है कि टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उसका मिक्सचर बनता है। तो बेटा जी, हाँ, जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा कि एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं और जिनके कंपोनेंट्स को हम जल्दी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल मेथड्स के साथ। और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मिक्सचर की कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, तो वाटर के अंदर अगर मैं सॉल्ट डालूंगा और उसका एक घोल बना लूंगा तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम उनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर हमको एक ही फेज देखने को मिलता है, लिक्विड फेज। वाटर के अंदर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो हमको नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर हम अप टू डाउन, लेफ्ट राइट देखेंगे तो यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन उसकी होती है। तो जिन चीज़ों की बेटा जी यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन होती है जिन मिक्सचर्स की, उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरे मिक्सचर जो जिनके अंदर दो से ज़्यादा फेजेस बन जाते हैं, दो फेज बन जाते हैं, जैसे कि मैंने सैंड लिया और सैंड को मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, तो जो रेत होगी बेटा जी वो हमको साफ साफ नज़र आएगी कि यहाँ पर रेत है, बाकी यहाँ पर वाटर फेज है, ठीक है। तो जिनमें जो फेज हैं वो सेपरेट किए जा सकें इजीली सिंपल मेथड्स के साथ, ठीक है, तो उन मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उनके अंदर दो अलग अलग फेजेस हमको नज़र आते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है हमारा, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद सर्टेन लिमिट्स। अब देखिए बेटा जी, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस जिनकी कॉम्पोजिशन में थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो आ सकता है, उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है, ठीक है। सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इंडस्ट्री एज वेल एज लेबोरेटरी। जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में और लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। मैनी सॉल्यूशंस आर यूज्ड एज मेडिसिन। अब देखिए बेटा जी, बहुत सारे सॉल्यूशंस इस तरह के होते हैं जो हम मेडिसिंस के रूप में भी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कफ सिरप जो हो गया, ठीक है, कफ सिरप जो होता है वो टैबलेट की फॉर्म में नहीं होता, वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, तो हम उस सॉल्यूशन को पी लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब, अगर मैं बिल्कुल हिंदी भाषा का प्रयोग करूँ तो सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, ठीक है, दो चीज़ों का घोल। वाटर लिया, उसमें चीनी डाल दो, उसको मिला दो, सॉल्यूशन बन गया। वाटर लो, उसमें सॉल्ट ऐड करो, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। बेटा, जो सॉल्यूशन जिन चीजों से के साथ मिलकर बनता है, सपोज करो कि मैंने सॉल्यूशन बनाया है वाटर और सॉल्ट का, तो वाटर और सॉल्ट जो होता है उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच मेक द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और उसकी एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्यूशन एंड इज अ सॉल्यूशन कंटेन एंड द सॉल्यूशन कंटेन थ्री कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, आपको जो नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में। तो ऐसा है कि जिन सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर और सॉल्ट, तो उनको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। उन जिन सॉल्यूशन के अंदर दो से ज़्यादा यानी कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन। इसी तरह जिसमें चार कंपोनेंट्स होंगे उनको बोलेंगे क्वार्टनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को लिखा जाता है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को ही पढ़ेंगे, ओके, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को हम पढ़ेंगे। और बेटा जी, जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट, यस।
तो जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होता है उनको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है, थोड़ी सी मात्रा में उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्लियर? जैसे वाटर 100 ml है और उसके अंदर मैं 10 ग्राम्स सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, तो बेटा जो सॉल्ट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो वाटर होगा वो होगा सॉल्वेंट। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद, जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन हमेशा उसी फेज में होगा जो फेज सॉल्वेंट का हो। ठीक है, जो फेज सॉल्वेंट का होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी उसी फेज में ही होगा। क्लियर हुई बात? जैसे मैंने लिया 100 ml वाटर और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दी, चीनी से मैंने उसका सॉल्यूशन बनाया, और जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट था शुगर, वो सॉलिड फेज में था, और जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड फेज में था। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन बना वो लिक्विड फेज में ही बना, क्योंकि सॉल्वेंट का जो फेज होता है वही रिजल्टेंट सॉल्यूशन का फेज होता है। क्लियर हो गया बात? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा जी? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं टू और मोर कंपोनेंट्स के। जिन सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे उनको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें तीन होंगे उनको बोला जाएगा टर्शियरी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा में कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, जो कम मात्रा में होता है कंपोनेंट उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। क्लियर हुआ? तो बेटा जी ये होते हैं हमारे सॉल्यूशंस। अब बेटा जो सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है बेसिकली 9 तरह के होते हैं, 9 टाइप्स के। अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन मेरा हमेशा लिक्विड और सॉलिड के ही बनेगा, गैस के भी सॉल्यूशंस काफी सारे मिलते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया। ठीक है, वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्लस, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, वाटर नहीं होगा बेटा इसमें। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस यहां पर इसका एग्जांपल आएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूट अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है। अगर सॉल्यूट लिक्विड है एंड सॉल्वेंट क्या है गैस, तो बेटा जी हमारे पास होगा वेपर्स इन एयर। ठीक है, वेपर्स इन एयर। थर्ड है अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट गैस, गैस के अंदर सॉलिड की मात्रा, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर इसकी बेटा एग्जांपल है। गैस इन लिक्विड, लिक्विड की मात्रा ज्यादा गैस की मात्रा कम, सोडा वाटर जो हम पीते हैं, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स भी आप बोल सकते हो, कोका कोला लिमका वगैरह, उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है गैस की मात्रा कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है बेटे लिक्विड इन लिक्विड, अगर दो लिक्विड्स को हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और उसकी एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल इन वाटर। जो बेटा ड्रिंकिंग अल्कोहल जो होती है शराब जिसको बोलते हैं हम, उसको वाटर के अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो वो बनेगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद है अगर सॉल्यूट होगा सॉलिड और सॉल्वेंट होगा लिक्विड, तो सिंपल शुगर इन वाटर इसकी एग्जांपल आएगी। उसके बाद है सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट लिक्विड, सॉरी सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस, गैस एड्सॉर्ब ऑन चारकोल। चारकोल क्या करता है अपने ऊपर गैस को एड्सॉर्ब करवा लेता है, आपको पता होगा ये सारा। तो उसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा और गैस की मात्रा कम होगी, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे गैस एड्सॉर्ब इन चारकोल, इसकी एग्जांपल है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा 8 नंबर पे लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, और उसकी एग्जांपल है अलॉय ऑफ मर्करी विद एनी मेटल। जो मर्करी है वो आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फेज में होती हैं। और अगर हम सॉलिड की कोई मेटल और मर्करी के साथ उसकी अलॉय हम तैयार करते हैं तो वो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड इन सॉलिड। तो 9th में है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि दो सॉलिड चीजों को अगर हम मिक्स करेंगे, कोई भी अलॉय बोल सकते हो आप इसमें, जैसे ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो ब्रास में क्या होता है बेटे, कॉपर और जिंक दो मेटल्स होती हैं, दोनों सॉलिड फेज में होती हैं, तो हम दोनों को आपस में क्या करते हैं मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस।
ओके तो सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे अभी हमने बात की लास्ट में कि दैट इज, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो बच्चे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में होंगे कि पानी में जो मर्जी डालो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बेटा जी तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर हमने भी एग्जांपल्स को देखा है कि जो ये वाले 9 टाइप्स के सॉल्यूशन थे तो उनमें जो सॉल्वेंट का होता है फेज वही सारा सॉल्यूशन का फेज होता है, हमने पढ़ा था। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं बेटा वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन भी इसी तरह के हैं, और जो सॉलिड सॉल्यूशन है बेटा जी वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम दो सॉलिड्स को आपस में मिक्स करके उनका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो कुछ एटम एक सॉलिड के दूसरे सॉलिड के एटम्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि उनकी जगह पर दूसरे सॉलिड के एटम्स आके घुस जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सम एटम्स ऑफ वन एलिमेंट गेट रिप्लेस विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ओके। तो इन सॉल्यूशंस को ज्यादातर हम मेटल से बनाते हैं, तो एग्जांपल है बेटा कि ब्रास, तो ब्रास जो है पीतल उसमें कॉपर और सिल्वर के जो एटम्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो कॉपर के एटम्स हैं वो ग्रे वाले हैं, सॉरी सिल्वर वाले हैं, और जो कॉपर है वो इस कलर की है, गोल्डन थोड़ा कलर है इसका। तो सिल्वर के एटम्स के अंदर कुछ एटम्स ने सिल्वर के एटम की जगह कॉपर के एटम की जगह ले ली है, ठीक है। तो ये बेटा जी हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपको एक और बात पता होगी कि जो ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है हमारा, सॉलिड होता है कोई भी, तो इसके अंदर एटम्स जो हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो एटम्स के अंदर ये जो खाली जगह होती है इनको हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड, द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस जो है इन एटम्स के बीच में, यहाँ ये वाली, इनको हम बोलते हैं वॉइड। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो वॉइड का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल साइट। क्या होता है? इंटरस्टिशियल साइट। तो जो सेकंड टाइप है बेटा जी सॉलिड सॉल्यूशन की, वो यही है कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में क्या होता है कि एटम्स को दूसरा एटम रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि दूसरा एटम इतना छोटा होता है कि वो उसी लैटिस के वॉइड्स के अंदर समा जाता है, ठीक है। एग्जांपल स्टील, स्टील के अंदर क्या होता है कि जो आयरन होगा, ये देखिए कि जो आयरन है वो है ऑरेंज कलर का, जितना भी लैटिस सारे एटम ऑरेंज कलर के हैं, और ये जो कार्बन है ये ग्रीन कलर के साथ शो किया हुआ है। जब इसको कार्बन को इसके अंदर डिसॉल्व करवाएंगे तो इसके वॉइड के अंदर देखिए कुछ वॉइड भर जाएंगे कार्बन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो ये है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इनको इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइट के अंदर दूसरे एटम को समा लेता है। उसके बाद एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा जी जिस चीज के अंदर वाटर होता है उसको हम एक्वस बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, ठीक है, जिनके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट हो उनको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। और जिन सॉल्यूशंस के अंदर वाटर सॉल्वेंट के रूप में ना हो, कोई और सॉल्वेंट के रूप में हो, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस, जैसे दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा जी इसमें एक चीज दी हुई है उन्होंने कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि लाइक डिजोल्व इन लाइक। तो बेटा जी लाइक डिजोल्व इन लाइक का क्या मतलब है कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो पोलर सॉल्यूट हैं, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर डिजोल्व होंगे। इसकी बेटा जी एग्जांपल जी है कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, HCl है, ये पोलर होते हैं, पोलर नेचर होती है इनकी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अंदर अपीयर होते हैं, ठीक है। और जो वाटर है दैट इज ऑल्सो पोलर, सो वाटर के अंदर HCl भी डिजोल्व कर जाता है, और जो कॉमन साल्ट है हमारा NaCl वो भी बेटा जी इसके अंदर डिजोल्व कर जाएगा, बिकॉज बोथ आर पोलर। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर होंगे तभी आपस में इनका सॉल्यूशन बन सकता है।
जैसे कि एक मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाटर है पोलर नेचर का, और जो बेंजीन होती है या सरसों का तेल आपके घर में होगा उसको भी आप देख सकते हो एक एग्जांपल के तौर पे। तो उन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो कभी भी आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से वो चीज़ें जो हैं पोलर और नॉन पोलर के नेचर को दर्शाती हैं कि वो आपस में मैच नहीं करते, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है बेटे, तो आप इतना कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और उसके मेथड्स प्लस उसके न्यूमेरिकल्स सारा कुछ करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आपने आज फर्स्ट डे है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो सॉल्यूशन चैप्टर की इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन सॉलिड सॉल्यूशंस और उनकी एग्जांपल्स और एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में जरूर आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी जरूर आते हैं, तो इनको आपने कभी भी भूलना नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों इनको पढ़ो और जो कोई डाउट है आप डायरेक्टली मेरे को फ़ोन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।